नमस्कार, मैं प्रिया। धाराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव द्वारा बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास पर भक्त चौंधर शब्द से की गई टिप्पणी पर बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। इसको कांग्रेस समेत कई पार्टी लालू प्रसाद यादव पर निशाना साध रहे हैं। बढ़ते विवाद को देखते हुए राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने भक्त चौंधर शब्द का भोजपुरी भाषा में विश्लेषण किया है। उन्होंने कहा कि भक्त चौंधर शब्द कोई गाली नहीं है, इस शब्द को गाली समझने वाले लोग भोजपुरी भाषा का अपमान कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव लगभग 3.5 साल बाद पटना लौटे हैं। ऐसे में उनके चाहने वाले समर्थक कार्यकर्ता और नेतागण राबड़ी आवास पर लगातार उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, मगर उनके हाथ निराशा लग रही है क्योंकि राजद अध्यक्ष किसी से नहीं मिल रहे हैं। अरवल जिले में 72 वर्ष की उम्र पार करने वाली मंजू देवी अमरा पंचायत के वार्ड नंबर 3 की वार्ड सदस्य चुनी गई हैं। बुढ़ापे की अवस्था में भी अपने वार्ड को साफ सुथरा रखने और लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के जज्बे ने उन्हें इस पद पर जीत दिलाई है। भारत बनाम पाकिस्तान के बीच हाल ही में T20 वर्ल्ड कप मुकाबला खेला गया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के कुछ स्थानों पर भारत पर पाक क्रिकेट टीम की जीत का जश्न मनाए जाने की खबर सामने आने के बाद पुलिस ने कई छात्रों पर मामला दर्ज किया है। इस मामले में राजनेताओं की बयानबाजी का दौर भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने दूरगामी परिणाम वाले एक अहम फैसले में कहा है कि सजा के बाद अपील के दौरान हुए समझौते के आधार पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपराधिक मामला खत्म कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए हाईकोर्ट CRPC की धारा 482 में प्राप्त शक्तियों और सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सजा के बाद अपील पर सुनवाई के दौरान पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर आपराधिक मुकदमा समाप्त कर सकते हैं। बिहार कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के नेता आदित्य पासवान ने राजद का घेराव किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि भक्त चौंधर का अर्थ समझते हैं, लालू जी नहीं समझते हैं, तो इसका सफल उदाहरण आपके घर में है। अपने बेटे को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि भक्त चौंधर किसे कहते हैं, समझे। चीन और मंगोलिया से सटे इलाके में कोरोना ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। उसके बाद उन इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया गया है और लोगों से अपील की गई है कि वो घरों से बाहर ना निकले। लॉकडाउन लगाने का फैसला अलेक्सा लेफ्ट बैनर में कथित तौर पर पिछले एक सप्ताह में चीन में रिपोर्ट किए गए 150 से अधिक COVID-19 संक्रमण में से लगभग एक तिहाई के लिए जिम्मेदार है। 1.8 लाख की आबादी अलेक्सा लेफ्ट बैनर इलाका मंगोलिया की सीमा के पास है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में जीका वायरस महामारी को लेकर चेतावनी जारी की है। इस हफ्ते के आखिर में कानपुर में जीका वायरस का पहला मामला देखने को मिला है, जिसके बाद सरकार ने यह एडवाइजरी जारी कर दी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के महानिदेशक वेदव्रत सिंह के द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार राज्य के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को जीका वायरस के संदिग्ध मामलों पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने सारण के डोरीगंज के तत्कालीन थाना प्रभारी संजय प्रसाद के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। EOU के अपर मुख्य पुलिस न्यायाधीशक नैयर हसनैन खान के निर्देश पर भ्रष्टाचार के आरोपी थानाध्यक्ष के मुजफ्फरपुर जिले में आवास और बेतिया जिले के समहौता स्थित पैतृक घर पर रेड मारी गई थी। आर्यन खान केस में जांच कर रहे समीर वानखेड़े इस समय चर्चा में हैं। उन पर कई आरोप लगे हैं। हालांकि इन आरोपों के बीच भाजपा नेता मोहित कम्बोज ने एक वीडियो ट्वीट किया है और आर्यन खान केस में बड़ा दावा किया है। रामजी गुप्ता नामक एक नोटरी करने वाले व्यक्ति का ये स्टिंग है। काजू बादाम हो या फिर किशमिश और अखरोट, हर तरह के मेवे की कीमतों में गिरावट आई है। कारोबारी बताते हैं कि दिवाली के मौके पर अक्सर ड्राई फ्रूट की डिमांड बढ़ने से कीमतों में तेज उछाल आता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। बादाम की कीमत 1100 रुपये प्रति किलोग्राम से गिरकर 600 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। वहीं काजू के दाम में भी तेज गिरावट देखने को मिली है। आर्यन खान मामले में NCP नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नेता नवाब मलिक ने एक बार फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीन वानखेड़े पर हमला बोला है। नवाब मलिक अब एक नया लेटर लेकर सामने आए हैं। नवाब मलिक ने बताया है कि NCP के एक कर्मचारी ने उन्हें चिट्ठी लिखकर बताया है कि समीर वानखेड़े और उनकी टीम लोगों के घरों में तलाशी के दौरान झूठ मूठ का केस बनाने का काम करती थी। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री मीरा कुमार ने पार्टी के प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की सोमवार को कड़ी आलोचना की और कहा कि इससे पूरे दलित समुदाय के आत्मसम्मान को चोट पहुंची है।
अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपके लिए वरदान साबित होने जा रही है। अब इस योजना से जुड़े लोगों को सरकार बड़े बड़े फायदे देने वाली है। सरकार पीएम श्रम योगी मानधन योजना संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक बेहतर योजना है। इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी लगाने वाले, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर और इसी तरह के अनेक कार्यों में लगे असंगठित क्षेत्र से जुड़े मजदूरों को अपना बुढ़ापा सुरक्षित करने में सहायता मिलने वाली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अयोध्या दौरे पर है। केजरीवाल ने आज सुबह हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए। दर्शन के बाद केजरीवाल ने बड़ा बयान जारी किया है। केजरीवाल ने कहा कि अगर यूपी में हमारी सरकार बनती है तो प्रदेश के सभी लोगों को अयोध्या में रामलला के मुफ्त में दर्शन कराए जाएंगे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दूरसंचार के लाइसेंस नियमों में संशोधन कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए नियमों के तहत सभी गैर दूरसंचार राजस्व, संपत्ति की बिक्री, डिविडेंड, ब्याज किराए समेत अन्य को लाइसेंस शुल्क, स्पेक्ट्रम प्रयोग शुल्क की गणना से बाहर कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दूरसंचार परिचालकों पर टैक्स के बोझ को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने यह कदम उठाया है। मुंबई पुलिस की एक वकील सुधा द्विवेदी ने एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े और पांच अन्य के खिलाफ क्रूज पर मादक पदार्थ मामले में कथित रूप से जबरन वसूली के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया है। ये जानकारी एक अधिकारी ने दी है। अधिकारी के अनुसार वकील सुधा द्विवेदी ने लिखित शिकायत एमआरए मार्ग पुलिस थाने और संयुक्त पुलिस आयुक्त मिलिंद भारंभे और राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कार्यालयों में दे दी है। भारत में AY.4.2 नामक कोरोना के नए वेरिएंट सामने आने के बाद से सरकार के साथ साथ लोगों की चिंता भी फिर से बढ़ गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस मामले पर बात करते हुए कहा है कि सरकार की नजर इस मामले पर बनी हुई है और हर स्तर से इसकी जांच की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया कल राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि वैक्सीन प्रशासन में तेजी लाने के लिए वो सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री संघ बैठक में शामिल होने वाले हैं। देश में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार तेजी से आगे बढ़ रही है। 21 अक्टूबर 2021 को भारत ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड कायम कर कीर्तिमान स्थापित किया है। पीडीएफ प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बेतुके बयान को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज पूरी तरह भड़क गए हैं। उन्होंने महबूबा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका डीएनए खराब है। विज ने कहा है कि उन्हें साबित करना होगा कि वो कितनी भारतीय हैं। पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के लिए कश्मीरियों के खिलाफ गुस्से को लेकर महबूबा ने एक ट्वीट किया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश में कक्षा 3 तक के स्कूली छात्रों को मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना कौशल से सुसज्जित करने के लिए निपुण भारत मिशन पर अमल के लिए एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है। ये समिति राज्यों की कार्ययोजना के अनुरूप राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक राष्ट्रीय कार्ययोजना तैयार करेगी, जिसमें धन की कमी, रिक्तियों, शिक्षकों, प्रशिक्षण पाठ्याचार्य जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। भारतीय तटरक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट joinindiancoastguard.gov.in पर उपलब्ध कराए जाने वाले एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक जारी रह सकता है। इस बार शीतकालीन सत्र का कुछ खास महत्व है, क्योंकि यह राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले होगा। इस चुनाव को 2024 के आम चुनाव के लिए सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। महामारी के मद्देनजर संसद का शीतकालीन सत्र पिछले साल आयोजित नहीं किया गया था। लखीमपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जांच में तेजी लाने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में सभी गवाहों के बयान जल्द से जल्द सीआरपीसी 164 के तहत यानी मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए जाए। कोर्ट ने कहा है कि अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट उपलब्ध ना हो तो उसके चलते बयान दर्ज होने में कोई दिक्कत है तो संबंधित जिला जज सुनिश्चित करे कि नजदीक में उपलब्ध मजिस्ट्रेट के सामने ही बयान दर्ज हो। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और HDFC लिमिटेड ने 26 अक्टूबर 2021 को घोषणा की है कि पेमेंट बैंक के लगभग 4.7 करोड़ ग्राहकों को होम लोन की पेशकश करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की गई है। इस साझेदारी का उद्देश्य HDFC होम लोन उत्पादों को ग्राहक तक ले जाना है, विशेष रूप से बिना बैंक वाले और कम सेवा वाले क्षेत्रों में, जिनमें से कई के पास वित्त की बहुत कम या फिर कोई पहुँच नहीं है। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज तर्रार खिलाड़ी हार्दिक पांड्या की चोट को लेकर टीम प्रबंधन ने बयान दिया है। रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए उनके कंधे में चोट आ गई थी, जिसके बाद उन्हें स्कैन के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। हार्दिक के इस चोट को मामूली माना जा रहा है। 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले मैच में उनके उपलब्ध होने की संभावना भी जताई जा रही है।
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिवाली के बाद मनाए जाने वाले छठ पर्व के श्रद्धालुओं के टीकाकरण के उद्देश्य से मंगलवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली के बुरारी इलाके के इब्राहिमपुर गांव में एक विशेष अभियान की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री के साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद थे। सूरत की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम पर कथित टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले के संबंध में बयान दर्ज कराने के लिए 29 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट A.N. दवे ने सोमवार को गांधी को अपना बयान दर्ज कराने के लिए 29 अक्टूबर को पेश होने की बात कही है। सुपरस्टार रजनीकांत ने एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हूटे ऐप लॉन्च किया है। यह एक वॉइस आधारित सोशल मीडिया एप्लीकेशन है। इस ऐप के फाउंडर रजनीकांत की बेटी सौंदर्या है। इस ऐप की खासियत यह है कि इस ऐप पर आप अपने विचारों को वॉइस नोट के जरिए शेयर कर सकते हैं। आप अपनी पोस्ट को बेहतर बनाने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत में एक दिन में कोविड 19 के 12,428 नए मामले सामने आए हैं, जो पिछले 238 दिनों में सबसे कम दैनिक मामले हैं। वहीं देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,63,816 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मंगलवार को सुबह 8 बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की संख्या बढ़कर 3,42,02,202 हो गई है तथा संक्रमण से 356 लोगों की जान पिछले 24 घंटे में गई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गगन कुमार, नुन्नू कुमार, रोहित कुमार, पृथ्वीराज, अवधेश बाबू, संतोष कुमार, प्रवीण कुमार, अनुज कुमार, हसन नेटवर्क, कुश कुमार यादव, सौरभ कुमार, जितेंद्र ठाकुर, तैयब फाइज, अंतमा सिंह, राजेश सौंथियाल, वेदांत शिवम। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत के अब तक के सबसे बेहतरीन नेता कौन रहे हैं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।